यहाँ पर हमको ये फंक्शन गिवन है और ये जो f है हमारा r स्टार से r स्टार पर डिफाइन है। r स्टार यानी कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो। और यहाँ पर हमको इस फंक्शन को वन वन और ऑन टू प्रूव करना है। क्वेश्चन में हमको और भी चीज़ें गिवन है पर उसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसको वन वन प्रूव करते हैं। अब जब भी हमको किसी फंक्शन को वन वन प्रूव करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कोर डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं। मान लो हमने x1 और x2 ले लिए, उन एलिमेंट्स पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी f ऑफ x1 और f ऑफ x2, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल लेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम x1 और x2 को इक्वल प्रूव करते हैं। अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में हमारा फंक्शन वन वन होता है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो यानी कि हमारा फंक्शन वन वन नहीं है। यहाँ पर हमारा f ऑफ x1 आएगा, यानी कि x की जगह पे हम x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन x1। सिमिलरली इसमें हम x की जगह पे x2 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन अपॉन x2, और इन दोनों को हम इक्वल लेट कर लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 इक्वल x1, यानी कि हमारा x1 और x2 इक्वल आ गए, यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमारा वन वन है। इतना नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको प्रूव करना है ऑन टू को। अब ऑन टू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा फंक्शन a से b पर डिफाइन है तो b के हर एलिमेंट के लिए, यानी कि अगर y हमारा b में है, b के हर एलिमेंट के लिए इसके कोर डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर इसके हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज हमको मिल जाती है तो हमारा फंक्शन ऑन टू है, वरना नहीं है। यहाँ पर हम चेक करने के लिए fx को सबसे पहले y के इक्वल लिखते हैं। यहाँ पर y हमारा b में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस y के लिए अगर हमको हर y के लिए ये x मिल जाता है a में, तो उस केस में ये हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो हमारा fx है वो वन अपॉन x के इक्वल है, यानी कि यहाँ से वन अपॉन x हमारा y आ जाएगा। अब हम अपने x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, तो x हमारा आ जाएगा वन अपॉन y। इसको नोट कर लेते हैं। अब यहां से x हमारा 1 अपॉन y के इक्वल हमको मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि y के हर एलिमेंट के लिए x हमारा पॉसिबल है या नहीं। क्वेश्चन में हमारा फंक्शन r स्टार से r स्टार पर डिफाइन है, यानी कि जो हमारा y है वो r स्टार में बिलोंग कर रहा है, यानी कि y की हम कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। अगर y की हम वैल्यू मान लो 2 रखते हैं तो यहाँ से x हमको मिल जाएगा 1 बाई टू, जो कि हमारा r स्टार में बिलोंग करता है, यानी कि अगर हम इसकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखकर देख लेते हैं। मान लो y हमने माइनस फाइव रख दिया तो यहाँ से x हमको मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस फाइव, ये भी हमारा r स्टार में बिलोंग करता है, यानी कि अगर हम y की कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो उसके लिए हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो x इक्वल वन अपॉन y हमको गिवन है, यहाँ पर हम y की वैल्यू ज़ीरो नहीं रख सकते, क्योंकि फिर ये हमारा वन अपॉन ज़ीरो हो जाएगा जो कि हमारा डिफाइन नहीं होता। बट यहाँ पर हमको y इक्वल ज़ीरो पहले, y नॉट इक्वल ज़ीरो पहले से ही गिवन है, क्योंकि y हमारा r स्टार में है, तो यानी कि y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए हमारी x की वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब क्वेश्चन में हमको एक और चीज़ गिवन थी। अब इस केस में जो हमारा डोमेन है उसको हमने n से रिप्लेस कर दिया है, n यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से, यानी कि जब हमारा फंक्शन है वो हमारा r स्टार से n पर डिफाइन है, और यहाँ पर भी हमको अपने फंक्शन को वन वन और ऑन टू प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वन वन की बात करते हैं। तो
तो इस केस में भी सबसे पहले हम अपने कोडोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे x1 x2, उस पर अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल कर उसको इक्वल लेट कर लेंगे, और x1 और x2 हमारे इक्वल हैं या नहीं ये हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे इस केस में भी तो हमारा फंक्शन 1-1 हो जाएगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हमारा फंक्शन 1-1 नहीं होगा। यहाँ से हमारे एफ ऑफ एक्स वन यहाँ पर भी 1/x1 ही होगा, एफ ऑफ एक्स टू हमारा 1/x2 ही होगा। इन दोनों को हम इक्वल लेट कर लेंगे। इन दोनों को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 इक्वल x1, यानी कि हमारा x1 और x2 इक्वल आ गए हैं। यानी कि इस केस में भी जो हमारा फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है। इसको नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको चेक करना है ऑन टू के लिए। तो यहाँ पर भी हम अपने फंक्शन को fx को y की इक्वल लेट कर लेंगे और चेक करेंगे कि हर y के लिए हमको x की वैल्यू मिलेगी या नहीं। यहाँ पर हमारा fx 1/x ही है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे अपने y की फॉर्म में तो वो हमको मिल जाएगी 1/y। अब यहाँ पर जो हमारा y है वो r स्टार में है, तो यानी कि यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। y की वैल्यू मान लो हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2। बट x हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि हर y के लिए हमको x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा।